नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 6 बराबर बांटो के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृहकार परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बराबर बांटो संख्याओं का भाग के रूप में अनुप्रयोग की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृहकार कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों को बराबर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए भाग 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्याओं में भाग देना तथा स्थानीय मान के रूप में उसे लिखना को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृहकार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने में 30 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर एक तालिका तैयार करनी होती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत नवाचार के माध्यम से गृहकार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया जा चुका हो। छात्रों के लिए भी कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे छात्र घर जाकर बाजार से लाई गई वस्तु के बारे में लिखेंगे और उसके मूल्य के पेपर को इकट्ठा कर लेंगे तथा सभी पेपर के मूल्यों को नोट करके घर पर संख्या के बारे में बात करेंगे। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे अभिभावक के सहयोग से भरकर स्कूल ले जाना होता है। इस तालिका में छात्र का नाम तथा संख्या, प्राप्त मान और प्राप्त मानों को शब्दों में लिखा होता है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र इस तालिका को सावधानी पूर्वक अभिभावक को ले जाकर देते हैं और बताते हैं कि आज के दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही इसको दोहराया जाएगा। छात्र अगले दिन कक्षा में तालिका और चार्ट को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र इस गतिविधि को आगे बढ़ा लेते हैं और शिक्षक छात्रों से पाठ बराबर बांटो का पुनः अध्ययन गृहकार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृहकार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। 2 अंकों की संख्याओं पर कार्य करते हैं, 99 तक की संख्या को पढ़ना लिखना स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तथा अंकों की पुनरावृत्ति करते हैं और स्थानीय संख्याओं को जोड़ना और घटाने की क्रिया भी करते हैं। भाषा की बारीकियों को समझते हैं तथा अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करना, प्रश्न करना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस पाठ में को बराबर बांटो एक निर्धारित माह में ही शिक्षक पढ़ाते हैं। इस नवाचार गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरपी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएल 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। तो इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। अतः कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।